आपके साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि जब भी कोई नया रिश्ता बनता है ना, तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं उस रिश्ते के बारे में और उसी रिश्ते के बारे में फिक्र करते हैं। सब कुछ इतना अच्छा लगता है वो रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे प्यार का हो, या फिर शादी का, या फिर शादी के बाद उस फैमिली से बना रिश्ता। सभी से हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें और अच्छे से व्यवहार करें। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जो रिश्ता हमें सबसे प्यारा था वो धीरे धीरे अनमना सा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि ये रिश्ता वही है जिसे मैंने प्यार किया था। क्यों ऐसी दरारें पड़ने लगती हैं? चलिए जानते हैं और बताते हैं आपको कि अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाएं। जानना जरूरी, तो वेलकम टू रंगली जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जितना आसान होता है रिश्ता बनाना, उतना ही मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर रिश्ते में ना उतार चढ़ाव तो आते हैं। कुछ लोग संभल जाते हैं तो कुछ बिखर के रह जाते हैं। हमें उस समय संभलना होता है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए ना हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने रिश्तों को हमेशा मजबूत कैसे बनाए, चलिए बताते हैं। गलत फहमियों को करें दूर। अक्सर हम करते क्या है, जब भी हम रिश्तों में एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं। बड़ा इजी होता है, किसी से भी बात करना बंद कर दो और अपना गुस्सा व्यक्त कर दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम नाराज हों या कोई गलत फहमी आ जाए हम लोगों के बीच, तो हमें सबसे पहले बैठ के बात करनी चाहिए। भले ही उस समय आपका बात करने का मूड ना हो, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लेकर जरूर बात करनी चाहिए, ताकि हो सकता है कि हमारा रिश्ता फिर से सुधर जाए, और हो सकता है जो गलतफहमी हमारे बीच थी वो ऐसी गलतफहमी थी जो हम समझ भी नहीं पाए थे। तो हमें बैठ के जरूर बात करनी चाहिए, ताकि हमारी गलतफहमियां दूर हो सके। बातों को सुनना। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सामने वाला कुछ कहना चाहता है, तो सबसे पहले आप उसकी बात सुनिए, क्योंकि सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आप सुनने वाले बनिए। जब आप सामने वाले की बात सुनेंगे ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम होते हैं जो सामने वाले की बात समझे जाने। तो ऐसा रिश्ता अगर मजबूत बनाना है ना, तो आपको सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। माफ करने की आदत, ये ना हमें अपनी माँ से सीखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ हो अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देती है। हमें ये रिश्ते में भी लाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, हमें माफ करना आना चाहिए। जब हम माफ करेंगे ना, तो वो रिश्ता बहुत सहज हो जाएगा, बहुत इजी होगा उसे निभाना, सजोना, संवारना। तो हमें माफ करना आना चाहिए। भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान। जी हाँ, जब खुद पे बीतती है ना, तो बहुत बुरा लगता है। कोई भी चीज अगर हमारी इच्छा पूरी ना हुई या हमारी भावनाओं को किसी ने ठेस पहुंचाई, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वही चीज अगर आप भी करें तो बुरा लगेगा ना किसी और को। तो हमें अपने रिश्ते में ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किसी की भी इच्छाओं को या उनकी भावनाओं को ठेस कभी नहीं पहुंचाना है, ये चीज याद रखनी है। उम्मीदों पे खरा उतरना। अक्सर हम अपने पार्टनर या अपने रिश्तों में ये चाहते हैं कि सामने वाला आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि ये रिश्तों को खराब भी कर लेती है। हमें अपने पार्टनर या अपने रिश्तों में कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जितनी अच्छी दिखनी है या जो हमें फील कराती है वैसा होता नहीं ना, तो बहुत बुरा लगता है, अपने दिल टूटने की आवाज तक आ जाती है। इसलिए हमें कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। हाँ, जब कोई ऐसे ही उम्मीद पूरी हो जाए या कुछ ऐसी चीज जो हम कभी चाहते थे वो अचानक से पूरी हो जाए, तो कितनी अच्छी लगती है। उस चीज का अनुभव अलग ही होता है। इसलिए हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बस अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। विश्वास, प्यार या बंधन। अक्सर हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है तो उसे छोड़ दीजिए, उस रिश्ते को छोड़ दीजिए। अगर वो आपका है ना, तो वो लौट के आ ही जाएगा। लेकिन अगर लौट के नहीं आता, तो ये मान लीजिए कि वो आपका था ही नहीं। सच है, हमें अपने रिश्तों को कभी बांध के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को बांधना
आपके लिए आसान तो होगा लेकिन वो रिश्ते रिश्ते नहीं होंगे। इसलिए रिश्तों को विश्वास पे और प्यार पे छोड़ दें। अनोखी बात, अक्सर ना लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग होते हैं। आप जब देखते हैं कि उसमें कुछ अलग सी बात है या अनोखी बात है, तभी आप उसे खुद की लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस चीज को फिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वही जब रिश्ता आपका बन जाता है तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, बुरी लगने लगती है। ऐसा क्यों? आप उसे चेंज करना चाहते हैं, आप उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो हमें ना उसे उसी कंडीशन में एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि रिश्तों को अगर मजबूत बनाना है तो गूंगा बनो, बहरा बनो और कभी अंधा भी बन जाओ, यानी आप उन पे आंख बंद करके विश्वास करो। सच है, हमें अपनी लाइफ को, अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है तो बस ऐसे ही विश्वास कीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाए। जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है तो अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाइए। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें विश्वास, प्यार और सम्मान सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है अपने रिश्तों में। लेकिन हाँ, सामने वाला अगर आपकी कदर नहीं करता तो आप उसके पीछे पड़े नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें उन्हीं से रिश्ते जोड़ने हैं जो आपकी कदर करें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जुआ चलना चाहिए। तब तक के लिए चाचा बाय बाय।